हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीला और आप देख रहे हैं नेचर विद नीला हिंदी। फ्रेंड्स, नीलाज गार्डन में कुछ नया अनार का वैरायटी और कुछ साइट्रस का वैरायटी आया है, तो आज का जो वीडियो है वो अनार और साइट्रस के ऊपर है। जो भी वैरायटी ऑलरेडी टेस्टेड है उसका फ्रूट हम लोगों ने खाया है, आप लोगों को भी रिव्यू दिया है। अभी तक कुछ कुछ अनार का रिव्यू मिला है और भी अनार जो है उसका रिव्यू का वीडियो अभी रेडी हो रहा है, वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। और जो फ्रेंड्स आज पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से जो भी वीडियो मैं छोड़ूंगी जल्द से जल्द आप लोगों के पास वो पहुंच जाएगा। और मेरी इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, अगर लगे कि ये अच्छा है और इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पहले अनार का वैरायटी दिखाते हैं, फिर जो संतरा मौसमी या सिट्रस का वैरायटी है उसको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो दिखाऊंगी ये है मैक्सिकन रेड। मैक्सिकन रेड, इसके पहले भी मैंने वीडियो डाली थी, उसका फ्रूट आप लोगों को दिखाई थी कैसा होता है, मीठा कैसा होता है। और अनार के ऊपर जो भी वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारा फ्रेंड नए हैं वो लोग यहाँ से कलेक्ट करके देख सकते हैं। ये है मैक्सिकन रेड प्लांट। देखिए सभी प्लांट ग्राफ्टेड है, यहाँ पे जो भी प्लांट आज दिखाया जा रहा है हर जो प्लांट है वो ग्राफ्टेड है। ये है मैक्सिकन रेड। देखिए स्क्रीन में मैंने इसका जो पिक्चर है, जो नाम है, सब आप लोगों के लिए दे दिया है। जब भी जहाँ से भी कोई भी फ्रूट प्लांट आप लोग खरीदिएगा, इंटरनेट में उसको सर्च कीजिएगा, उसके बारे में जानकारी लीजिएगा, देखिएगा, उसके बाद उसका पौधा कलेक्ट कीजिएगा। नीलाज गार्डन में हर टाइम हम लोग सोचते हैं कि सही पौधा लोगों के पास पहुँचे, क्योंकि सही पौधा अगर लोगों के पास पहुँचेगा तो जब उसमें फ्रूटिंग होगा तो नीलाज गार्डन में या नीला को एक बार वो लोग याद जरूर करेंगे। फ्रेंड, इसके बाद जो वैरायटी है ये है पार फियांका। पार फियांका बहुत ही मतलब रेयर एक वैरायटी है, बहुत लोगों ने डिमांड किया था बहुत दिनों से। पार फियांका बहुत अच्छा एक वैरायटी है, आप लोग स्क्रीन में भी इसका फोटो देख सकते हैं। पार फियांका, इसका पौधा जो है देखिए अच्छा कंडीशन का है, अच्छा पौधा है, हर जो पौधा है वो ग्राफ्टेड है। इसके बाद मैं जो दिखाऊंगी जिसका रिसेंटली मैंने रिव्यू भी दिया है थाई अनार के ऊपर, थाई अनार का भी जो रिव्यू वीडियो है नए फ्रेंड के लिए बोल रही हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। ये है थाई अनार। कमर्शियली अगर कोई अनार का खेती करना चाहता है तो थाई अनार जरूर लगा सकते हैं। इसका साइज भी बड़ा होता है, दाना भी मीठा होता है, लाल कलर का होता है। थाई अनार बहुत अच्छा एक वैरायटी होता है अनार में। इसके बाद जो वैरायटी है ये भी कमर्शियली आप लोग खेती कर सकते हैं, ये है एससीटी बगुआ। एससीटी बगुआ एक बहुत ही अच्छा वैरायटी है, इसका फलन अधिक होता है, इसका जो फ्रूट का साइज होता है बहुत बड़ा साइज का होता है। और इसके ऊपर मैं रिव्यू वीडियो जरूर आप लोगों के लिए ला रही हूँ, क्योंकि इसका फ्रूट मैंने ऑलरेडी मतलब मैंने खाया है, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि एससीटी बगुआ भी बहुत अच्छा एक वैरायटी है। देखिए और मतलब ऑल जो प्लांट है सब ग्राफ्टेड है। फ्रेंड, यहाँ पे जो अनार है ये है ग्रानाडा। ग्रानाडा आप लोग जानते हैं, इससे पहले मैंने रिव्यू भी आप लोगों को दिया था। साइज में बड़ा होता है, दाना मीठा होता है, कलर बहुत अच्छा आता है। ग्रानाडा का वैरायटी है, ये ग्रानाडा का पौधा है, देखिए सब प्लांट ग्राफ्टेड है। ये है ग्रानाडा अनार। आज जो मैं पांच वैरायटी का अनार आप लोगों को दिखाई हूँ सभी टेस्टेड है, अच्छा है, आप लोग गमले में टेरेस में लगा सकते हैं, गार्डन में लगा सकते हैं या खेती के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग देखते हैं कि साइट्रस का क्या क्या वैरायटी आज नया नीलाज गार्डन में आया है। सबसे पहले मैं जो दिखाऊंगी, इससे पहले आप लोगों को मैं वीडियो डाली थी रिव्यू वीडियो, जो है ओवल कलाब्रिस, सब लोग जानती है बांग्लादेश में मैंने रहीम भाई के गार्डन में दिखाया था ओवल कलाब्रिस, जो ऑल टाइम एक वैरायटी है, एक मौसमी का वैरायटी है, बहुत ही जूसी होता है, इसका रस अधिक होता है और साल में ये ऑल टाइम है, मतलब दो बार आप लोगों को अच्छी तरह से इसका फल मिल सकता है। ये देखिए पौधा, पौधा का कंडीशन भी सब अच्छा है, देखिए 2.5 से 3 फीट का हाइट होगा। ये है ओवल कैलाब्रिस। स्क्रीन में मैंने आप लोगों के लिए देखिए फोटो भी दे दिया है ताकि आप लोगों को फ्रूट देख के थोड़ा सुविधा हो। ओवल कैलाब्रिस। इसके बाद जो है ये जो वैरायटी है ये है क्लेमेंटिन नूलेज। क्लेमेंटिन नूलेज आप लोग नेट में सर्च कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा एक वैरायटी है। बहुत फ्रेंड ने मुझे रिक्वेस्ट किया था क्लेमेंटिन नूलेज के लिए, ये भी टेस्टेड है और ऑलरेडी ये बहुत अच्छा एक वैरायटी है। प्लांट का साइज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये है प्लांट
क्लेमेंटिन नूलेज। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंडरिन देख रहे हैं ये है एफोरेर मैंडरिन। ये बहुत अच्छा एक वैरायटी है और ऑल टाइम का वैरायटी है। ज़्यादातर मैंडरिन ऑल टाइम का मतलब ऐसे रेयर होता है, लेकिन एफोरेर मैंडरिन ऑल टाइम का होता है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे जगह में देखा है कि मैच्योर फ्रूट और थोड़ा बड़ा फ्रूट और एकदम भी छोटा फ्लावर आ रहा है। तो एफोरेर एक ऑल टाइम मैंडरिन का बहुत अच्छा एक वैरायटी है। और यहाँ पे जो है ये है काड़ा काड़ा नेवल। काड़ा काड़ा नेवल बहुत अच्छा एक वैरायटी है, नेवल का वैरायटी, जिसका अंदर पूरा रेड होता है। कटने पर ये बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता है। काड़ा काड़ा नेवल आप लोगों का बहुत ही चहिता एक मतलब सिट्रस का वैरायटी है। पौधा मैं दिखा देती हूँ, करीबन 2.5 से 3 फीट का है। बहुत अच्छा एक वैरायटी है काड़ा काड़ा नेवल। और इसके बाद मैं जो दिखाऊंगी ये है चाइनीज ऑरेंज, जो करीम गार्डन का स्पेशल है। गुच्छे में इसका फ्रूट आता है, बहुत ही मीठा होता है, इसका फलन अधिक होता है। हर जो प्लांट है 3 से 4 फीट का हाइट है, ऐसा ही बुशी प्लांट आप लोगों को मिलेगा। और ऑल प्लांट आर ग्राफ्टेड। देखिए ये है चाइनीज ऑरेंज जो मीठा वाला है, करीम गार्डन बांग्लादेश का, वहाँ का जो मीठा चाइनीज ऑरेंज होता है, ये वो ही वेराइटी है। देखिए और यहाँ पे है वैलेंसिया ऑरेंज जो करीम गार्डन का स्पेशल है, बहुत ही अच्छा वैरायटी है, ऑलरेडी टेस्टेड है वैलेंसिया ऑरेंज। ये भी आप लोग लगा सकते हैं। पौधा 1 से 1.5 फीट का होगा, लेकिन पौधा हेल्दी है और सुंदर है। देखिए ये वैरायटी भी बहुत ही अच्छा है, आप लोग लगा सकते हैं। और इसके बाद मैं दिखाऊंगी एफोर एम्पेरोर मैंडरिन। एम्पोरेर मैंडरिन भी एक आप लोग जानते ही है मैंडरिन का वैरायटी है। संतरा का जो वैरायटी होता है छिलका खोल के खाया जाता है। तो यहाँ पे जो दिखाया है ज्यादातर ही छिलका खोल के खाया जाता है। ये है एम्पेरोर मैंडरिन, ये भी बहुत अच्छा एक वैरायटी है। पौधा देखिए इसी साइज में मिलेगा, देखिए एम्पेरोर मैंडरिन। फ्रेंड आज जो भी पौधा मैंने दिखाया है सब ऑलरेडी इसका मदर प्लांट पे फ्रूटिंग आया है, ये टेस्टिंग है और ऑल प्लांट ग्राफ्टेड है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर किसी को चाहिए तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। सभी बहुत अच्छे रहिए। नमस्कार।